कृतिका सिंगार ने किया अपने प्रेगनेंसी जर्नी शेयर। आखिरकार उन्होंने अपने प्रेगनेंसी को किस तरीके से जिया है और आखिरकार 5 से 6 साल के बाद, यानी शादी के 5 से 6 साल के बाद भी वो मेंटली प्रिपेयर क्यों नहीं हो पाई थी प्रेगनेंसी के लिए, क्या कुछ है पूरी अपडेट, क्या है पूरी खबर, बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं सृष्टि आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर। वेल, टाइम्स ऑफ इंडिया के दिए हुए इंटरव्यू के दौरान कृतिका सिंगार ये रिवील करती हैं कि आखिरकार उनकी प्रेगनेंसी को लेकर क्या क्या चीज़ें हुई थी। वेल, आपको बता दूँ कि कृतिका सिंगार ने 2014 में निकितिन धीर से शादी रचाई थी, जिसके बाद की काफ़ी सालों के बाद, अगर हम कह दें तो लगभग 8 से 9 साल के बाद वो उनके घर में बच्चे आने वाले हैं और कहीं ना कहीं वो पेरेंट्स बनने वाले हैं। इस दौरान टाइम्स ऑफ इंडिया से इंटरव्यू के दौरान कृतिका सिंगार ने ये क्वेश्चन किया कि आखिरकार हमें बेबीज कब लानी चाहिए। जी हाँ, उन्होंने ये रिवील भी किया कि जहाँ उनका बहुत ही ज़्यादा लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स थे जो कि बेबी प्लान कर रहे थे, बहुत सारे कपल्स ऐसे थे जो शादियाँ कर रहे थे, लेकिन हमारा ध्यान यही था कि जब हम हमारी ज़िंदगी का भी नहीं देख सकते हैं कि क्या होने वाला है, तो हम एक नई जान ऐसे सिचुएशन में कैसे लाएं दुनिया में। वेल, उन्होंने ये भी कहा कि 5 से 6 साल के बाद भी वो मेंटली प्रिपेयर नहीं हो पाई थी, क्योंकि जिस तरीके से एक वॉकिंग मॉम होती है, अगर वो वॉकिंग मॉम मेंटली प्रिपेयर नहीं कर पाएंगी खुद को कि वो प्रेग्नेंट होंगी, फिर बेबी होगा, उसका पूरा दिन ध्यान रखना होगा और इन चीज़ों को लेकर उनका जो काम है, उनका जो पर्सनल काम है वो ख़त्म हो जाएगा कहीं ना कहीं, तो इन चीज़ों के लिए मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है, क्योंकि इन चीज़ों के लिए बहुत सारी माएँ ऐसी हो जाती हैं जो कि डिप्रेशन में हो जाती हैं। हालांकि ये अलग बात है कि सेलिब्रिटीज़ की कुछ अलग ही बात होती है, सेलिब्रिटीज़ की एक अलग ही ओहदे होते हैं, सेलिब्रिटीज़ कुछ भी करें तो उनके डिप्रेशन के लिए भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे थेरेपिस्ट हैं जो कि बहुत ईजिली वो प्रिपेयर हो जाते हैं, लेकिन नॉर्मल लाइफ में अगर मिडिल क्लास फैमिली को देखें तो बहुत सारी ऐसी माएँ भी हैं जो कि हर सिचुएशंस को हैंडल करती हैं और कहीं ना कहीं अपने डिप्रेशन को भी सेकेंड ओपिनियन में रखती हैं। वेल, आखिरकार कृतिका सिंगार ने अपने प्रेगनेंसी को लेकर बहुत सारी एक्साइटमेंट जताई है और कहीं ना कहीं लास्ट ट्राइमेस्टर में है कृतिका सिंगार और अब जल्द ही अपने बेबी को वेलकम करने वाली हैं। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कृतिका सिंगार के इस प्रेगनेंसी रिवलेशन को लेकर, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। साथ ही साथ एंटरटेनमेंट दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।